morning to all of you. I am Karmil Yadav sir, physics faculty. Dear student, in our previous lecture we discussed about variation of acceleration due to gravity. So प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा, जब आप अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे जाते हैं तो acceleration due to gravity डिक्रीज होता है. So बेटा, इसको हमने प्रूव किया मैथमेटिकली. अब कितने हाइट पे acceleration due to gravity कितना डिक्रीज होगा, वो सब आप फाइंड आउट कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं, मान लीजिए ये है अर्थ का सरफेस और अब हम अर्थ के सरफेस से बिलो द अर्थ जाएंगे, इनसाइड अर्थ जाएंगे. तो जैसे ही आप अर्थ के सरफेस से इनसाइड अर्थ आप जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? प्यारे हो तो जैसा कि आप जानते हैं, जब आप अर्थ के सरफेस से बिलो डेप्थ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डिक्रीज होगा. अब कितना डिक्रीज होगा इसके लिए हम एक मैथमेटिकल टर्म बनाते हैं, ठीक है? सो बेटे, अपना हेडिंग बना लीजिए. नेक्स्ट टॉपिक आपका है इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन द वैल्यू ऑफ जी. इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है? सो बेटे, जब आप अर्थ के सरफेस में इनसाइड द सरफेस आप जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होगा, कितना डिक्रीज होगा, वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है? सो देखो, तो बेटे इसके लिए मान लेते हैं, देखो एक्सेलरेटिव में जो अपना अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, तो हम उसको मान लेते हैं और वही अज्यूम करने में आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? तो बेटे ध्यान से सुनिए, हम ऐसा मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर अर्थ टू बी ए होमोजीनियस स्फीयर, अर्थ टू बी ए होमोजीनियस स्फीयर ऑफ रेडियस आर. मान लिया भाई, बेटे आपने ये मान लिया कि ये अपने पास हो गया अर्थ, जो कि आपने एक होमोजीनियस स्फीयर अज्यूम कर लिया, ठीक है? और इस होमोजीनियस स्फीयर का जो रेडियस है ना भाई, ये हो गया सेंटर. बेटे ध्यान से सुनना, सेंटर से ये इसका हो गया रेडियस, ये हो गया सेंटर, ठीक है? हम मान लेते हैं कि अर्थ एक होमोजीनियस स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है आर. देखो एक्चुअलिटी में अर्थ का जो परफेक्ट शेप है वो स्फेरिकल नहीं है, ठीक है? बेटे यहां तक मीनिंग अच्छे से क्लियर. अब हमने क्या किया, अब अर्थ के सरफेस से डेप्थ में, भाई ये सरफेस है तो डेप्थ तो साइड आएगा, डेप्थ में कुछ डेप्थ पे आपने एक कोने मार लिया, ठीक है? सो वी कैन से राइट हियर, लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास, लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास एम एट ए डेप्थ below the earth surface, below the earth surface. देखो बेटे ध्यान से, भाई ये अर्थ का सरफेस था, अब सरफेस से कुछ डेप्थ पे, कितने डेप्थ पे, डी डेप्थ पे आपने सरफेस से यहां पे बॉडी मास, तो प्यारे बच्चों इस बॉडी का मास कितना हो गया, स्मॉल है. आपने अर्थ के सरफेस से कुछ डेप्थ पे एक बॉडी लिया, उस बॉडी का मास क्या है, स्मॉल एम है. अब ये एक कंसेंट्रिक स्फीयर बनाएगा, ये कंडीशन मेंटेन करेगा भाई, बेटे मीनिंग आ रहा है समझ में? अब देखो भाई, कंप्लीट यहां से यहां तक का डिस्टेंस था आर, तो बेटे ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्या बचेगा, ये डिस्टेंस आपका बचेगा आर माइनस डी. बटियारा नहीं समझ में, ये अपने पास अर्थ है, अर्थ के मास को आपने क्या मान लिया, कैपिटल एम. कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ बॉडी एंड एम डैश, बेटे एम डैश होगा मास ऑफ इनर स्फीयर. ध्यान से समझना, देखो बेटे यहां पे मैं राइट कर रहा हूं, कैपिटल एम मास ऑफ आउटर स्फीयर, आउटर सेल आप कह सकते हो, जो कि अपना क्या है अर्थ, आउटर सेल क्या है अर्थ है. बेटे उसके बाद
आर माइनस बी, जो कैपिटल आर है वो किसका रेडियस है, आउटर सेल का। बेटे मेन है आपका डायग्राम, इस डायग्राम को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, कंप्लीट डायरेक्शन लीजिए भी आप सोल्व कर देंगे। समझ में? तो प्यारे बच्चों अब आपके पास दो बॉडीज हो गए, एक हो गया कंप्लीट अर्थ यानी आउटर सेल, एक अपना हो गया इनर सेल जिसका मास है एम डैश। समझ में आ रहा है? सो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू आउटर सेल एंड ड्यू टू इनर सेल। एक होगा ये सेल, देखो ये जो सेल होगा ना, इसको आपने क्या नाम दे रखा है, इसको आपने नाम दे रखा है आउटर सेल, और ये कौन सा सेल है, इनर सेल। नेक्स्ट समझ में आ रहा है? सो वी कैन से राइट हियर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बेटे फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके इक्वल होगा, दिस इक्वल टू फोर्स ड्यू टू आउटर सेल प्लस फोर्स ड्यू टू इनर सेल। मैंने कहा समझ में, ये आपका प्लस का साइन। भाई जो टोटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा ना बॉडी पे अर्थ की वजह से, वो आपका होगा फोर्स ड्यू टू आउटर सेल प्लस फोर्स ड्यू टू इनर सेल। मैंने कहा रहे समझ में? आप देखो बेटे यहाँ पे न्यूटन ने कंसेप्ट दिया था न्यूटन का सेल थ्योरम। न्यूटन का सेल थ्योरम ये कहता है बेटे यहां पे ध्यान दीजिए, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेल थ्योरम बेटे न्यूटन का सेल थ्योरम ये कहता है फोर्स ड्यू टू आउटर सेल न्यूटन का सेल थ्योरम ये कहता है कि किसी भी आउटर सेल का जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। माइंड रखिए हमेशा, ठीक है। सो आप यहां से कह सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू आउटर सेल, बेटे क्या हो गया जीरो, प्लस क्या आएगा फोर्स ड्यू टू इनर सेल, फोर्स ड्यू टू इनर सेल। बेटे आ रहा है समझ में यहां तक, ठीक है। फोर्स ड्यू टू आउटर सेल आपका जीरो हो गया, फोर्स ड्यू टू इनर सेल आपको फाइंड आउट करना है। आप देखो बेटे भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, अर्थ में होगा और इनर स्फीयर में होगा। अर्थ जो कि एक आउटर सेल है, अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम है, और जो अपने पास इनर स्फीयर है उसका मास क्या है, एम डैश। सो प्यारे बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा यहाँ पे, एफ जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम मीन्स मास ऑफ अर्थ एंड एम डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और बेटे आर क्या है, आर माइनस बी का स्क्वायर। भाई इनर स्फीयर बचा, इनर सेल का रेडियस क्या है, आर माइनस डी। सो बेटे जी एम एम डैश अपॉन आर माइनस क्या हो गया, आर माइनस डी का डी का हो गया होल स्क्वायर। मीनिंग यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये जो मास है ना, ये मास किसका है, उस बॉडी का मास होगा। ये मास किसका होगा बेटे, उस बॉडी का मास होगा। ये बात समझ में आ रही, जी एम एम डैश अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। एक बार इसको यहां तक अच्छे समझिए, आगे इसको करते हैं, फिर यहां तक देख लो, फिर बात करेंगे एक सदस्य की, ठीक है बेटे। यहां तक देखो कोई प्रॉब्लम होगा, बेटे यहां तक समझना अच्छे से क्लियर। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जो इनर स्क्वायर एम डैश को निकालने का अपना एक फॉर्मूला होता है बेटे। अब जो कंसेप्ट यूज करने जा रहा हो ना, सेम आप यूज करेंगे ट्वेल्थ में, ध्यान रखना। जब आपके पास इस तरीके से दो कंसेंट्रिक सर्कल हो, दो कंसेंट्रिक स्फीयर हो, तो उनका मास कैसे फाइंड आउट होगा, तो बेटे यहां से एम डैश निकालने का फॉर्मूला आपका होगा, ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है, आउटर स्फीयर के मास को डिवाइड कर दो उसके वॉल्यूम से, इनर स्फीयर के मास को डिवाइड कर दो उसके वॉल्यूम से, दोनों हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। तो बेटे आप कहते हैं एम अपॉन फोर बाई थ्री बाई आर क्यूब इज इक्वल टू एम डैश अपॉन 4 बाई थ्री बाय, और इसका आर क्या है, आर माइनस डी का क्यूब। बेटे आ रहा है समझ में, भाई आउटर स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर, इनर स्फीयर का रेडियस आर माइनस डी। बेटे हमें यहां से चाहिए एम डैश, एम डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, आउटर स्फीयर के मास को डिवाइड कर दो उसके वॉल्यूम से, इनर स्फीयर के मास को डिवाइड कर दो उसके वॉल्यूम से, दोनों को कर दो इक्वेट। आप देखो बेटे 4 बाई थ्री बाय कैंसिल आउट, एम डैश की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी,
डैश क्या हो जाएगा, एम मासो पर आर माइनस ए का क्यूब एंड डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको कर दीजिए 14 1 में पुट करेंगे तो बेटे 400 ग्राम डी आपका क्या होगा, ए स्मॉल एम कैपिटल एम आर माइनस ए का क्यूब बाय आर क्यूब और बेटे डिवाइड में क्या था आर माइनस ए का स्क्वायर। मैंने यहां पे लिखे बेटे स्क्वायर दो से कम ये कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा एफ टी इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी एंड मास ऑफ इनर स्फीयर, बात समझ आ रही है। तो
इस कंसेप्ट को अच्छे से आप ऑब्जर्व करना बेटा, ये जो स्टेप है ना काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि ट्वेल्थ में भी आप यूज करेंगे जब आपके पास इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर सामने, ठीक है। अब बेटे मैं साइड में रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पेशल केस की, इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। Below the earth surface.
भाई अब आपको परसेंटेज डिग्री नहीं निकालना, अब आपको क्या पूछा था आपसे वैल्यू ऑफ डी की, भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो कि सरफेस पे 9.8 है वो 128 किलोमीटर के डेप्थ पे क्या हो जाएगा। तो बेटे इसके लिए पहले तो परसेंटेज डिग्री निकालना पड़ेगा। देखो सोल्यूशन करते हैं, यहाँ गिवन डाटा देखो भाई जी डैश की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डेप्थ आपको दे रखा है 128 किलोमीटर, ठीक है, एज वी नो दैट परसेंटेज डिग्री इज इक्वल टू डी बाय आर इनटू 100। तो बेटे वैल्यू आप पुट करेंगे क्या होगा, डी बाय आर 128 6400 इनटू 100, दो जीरो से दो जीरो कितने टाइम टू, यानी कि परसेंटेज डिग्री बेटे कितना आ गया 2% आ गया, यानी कि एक्चुअल वैल्यू का कितना डिक्रीज हुआ 2% डिक्रीज हुआ। सो न्यू वैल्यू ऑफ डी क्या होगा, न्यू वैल्यू जी डैश क्या होगा, जी डैश आपका होगा जी माइनस जी का 2% मीन्स 2/100। ग्रेड मीनिंग आ रहा है समझ में भाई, न्यू वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, जी माइनस जी का 2%। देखो भाई जी डैश इक्वल टू 9.8 माइनस 9.8 का 2%। तो बेटे इसका भी पॉइंट रिप्लेस कर दूंगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल कुछ नहीं करना है। सो जी डैश इज इक्वल टू 9.8 बेटे इसका भी रिप्लेस किया तो बना दिया हमने इसका 10 माइनस 196 बाय 1000 बेटे एलसीएम ले लो यहां से, जी डैस एलसीएम आपका होगा 1000 क्लियर है। तो ये क्या होगा 100 से 9800 माइनस 196। सो बेटे जी डैस अपने पास क्या होगा, देखो 10 माइनस 6 4 9 माइनस 9 0 7 माइनस 1 6 तो बेटे क्या बचेगा 9। सो डिवाइड बाय कितना होगा 1000। तो बेटे अपने पास जी डैश क्या आएगा, द न्यू वैल्यू ऑफ जी 9.604। सो बेटे जब आप अर्थ के सरफेस से 128 किलोमीटर जाएंगे, बिलो द सरफेस जाएंगे, जो कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी 9.8 था वो क्या बन जाएगा 9.604 बन जाएगा। मीनिंग समझ में आया, नोट इट डाउन केयरफुल। देखो न्यूमेरिकल का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज डिग्री इन द वैल्यू ऑफ जी एट ए डेप्थ इक्वल टू आर बाय 2, यानी कि जो रेट जो आपका डेप्थ होगा ना वो अर्थ के रेडियस का हाफ हो जाए, अर्थ के रेडियस का क्या हो जाए हाफ हो जाए फ्रॉम अर्थ सरफेस। बेटे जो आपने परसेंटेज डिग्री का जो फॉर्मूला बनाया परसेंटेज डिग्री इज इक्वल टू डी बाय आर इंटू 100, ये फॉर्मूला वैलिड कब है, जब आपका डी वेरी वेरी लेस देन हो आर से। बेटे ध्यान से सुनना, आपका जो फॉर्मूला है परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू डी बाय आर इंटू 100, ये फॉर्मूला वैलिड कब है, जब आपका डी वेरी वेरी लेस देन किससे हो आर से, उस कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है। पर बेटे जब आपका डी कंपेरेबल हो किसके आर के, जब डी और आर कंपेरेबल हो तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला अपना फेल हो जाएगा, फिर आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फिर आपका एक बेसिक फॉर्मूला यूज होगा। बेटे ध्यान से सुना इस बात को, जैसे मैंने आपको हाइट में बोला था अगर आपका डेप्थ वेरी वेरी लेस देन है रेडियस ऑफ अर्थ से तो आपका ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, यदि डेप्थ और आर दोनों कंपेरेबल हो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। बात को ध्यान से सुना बेटे, अगर इससे आप करेंगे तो आपके रिजल्ट डेफिनेटली वेरी करेंगे भाई, रॉन्ग रिजल्ट बनेंगे आपके, ठीक है। से ओनली वैलिड कब है, जब आपका डी वेरी वेरी लेस देन किससे हो आर से, ठीक है बेटे। अब देखो सो सबसे पहले आप फिगर डाटा फॉलो करेंगे,
और डेप्थ आपको दे रखा है आर बाई टू। बेटी आर बाई टू का मतलब है 6400 किलोमीटर बटा 2 इज इक्वल टू 3200 किलोमीटर। यही होगा भाई डेप्थ दे दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं एयर फॉर्मूला बेसिक यूज करेंगे, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी वाई। बेटे फॉर्मूला आप यूज करेंगे जी डी इज इक्वल टू बेटे सरफेस की वैल्यू 9.8, 1 माइनस डी की वैल्यू क्या है 32, 64, ठीक है। सो जी डी अपने पास क्या होगा 9.8 इंटू बेटे 1/2 होगा, 1 माइनस 1/2 अपने पास क्या होगा 1/2। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने पास क्या हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड। यानी कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। तो बेटे परसेंटेज डिक्रीज के लिए देखो, परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू में बेटे क्या होगा 100। अब परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू चेंज अपने पास कितना है 4.9, ओरिजिनल कितना था 9.8 मल्टीप्लाई 100। सो प्यारे बच्चों परसेंटेज डिक्रीज अपना कितना जाएगा 50%। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिटेल, ठीक है, नोट इट डाउन केयरफुली। अब बेटे अगर आप डी बाई आर इंटू 100 से करेंगे तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, डी बाई आर को 100 से आप करेंगे तो भी आपका रिजल्ट 50 आएगा, बट ये कुछ में सेम आएगा बाकी में डिफरेंट आएगा। इसी वजह से जब आपका डेप्थ और रेडियस दोनों कंपेरेबल हो जाए तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मेक समझ में आया, नोट इट डाउन केयरफुली। Okay.